हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो कनाडा। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइस, लेटेस्ट पीपीआर्स की टाइमलाइंस आ चुकी हैं मेरे पास। मे 1 और 2 को जो वीज़ा ग्रांट हुए हैं उनकी टाइमलाइंस है मेरे पास। और गाइस, वीज़ा ग्रांट उन फाइल्स के हुए हैं जो मोस्ट ऑफ फेब में लॉन्च की गई थी। एंड जो पिछली फाइल्स हैं गाइस, जो 2021 में अक्टूबर नवम्बर में लॉन्च की गई थी, एक दो रिजल्ट्स उन फाइल्स के भी आए हैं मेरे पास। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि जो लोग काफ़ी लंबे टाइम से अपने फाइल्स पर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनको जो है वो वेब फॉर्म रेज कर एवरी वीक जो है अपना रिजल्ट जो है वो जल्दी से जल्दी मिल सकता है। तो आप लोगों को गाइस मेरा यही सजेशन रहेगा कि अपने एजेंट से कंसल्ट कर आप एवरी वीक जो है वो अपना वेब फॉर्म रेज कर सकते हैं, जिससे आपको अपना रिजल्ट मिलने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। तो गाइस, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, एज यूजुअल, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरे चैनल से आने वाली कोई भी अपडेट को मिस ना कर सकें। तो चलिए गाइस, देखते हैं फर्स्ट पीपीआर की टाइमलाइन। ओके गाइस, दिस वन इज़ द 1 नवंबर 2025 को इन्होंने फाइल लॉन्च की थी। सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे हो गया था। BCL नवंबर 2026 को मिल गया था। उसके बाद गाइस, इनको एक कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया March 11, देन अगेन इनको आफ्टर 2 डेज एक और कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया है March 13 को। उसके बाद एक कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर May 1 को, एंड साथ ही साथ में PPR भी इनको रिसीव हुई है May 1 को। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। फेब 14 को फाइल लॉन्च की थी। सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे हो गया था। BCL फेब 15 को मिला था। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR May 2 को रिसीव हुए हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए। अप्रैल 2 को फाइल लॉन्च की थी। सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे हो गया। BCL भी इनको अप्रैल 2 को ही मिल गया। उसके बाद इनको गाइस मेडिकल रिक्वेस्ट आई अप्रैल 14 को, और कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के साथ PPR रिसीव हुई है May 2 को। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए। ये भी फेब 14 को फाइल लॉन्च की थी। सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे का है। BCL नेक्स्ट डे मिला फेब 15 को। उसके बाद रिक्वेस्ट लेटर आया एक अप्रैल 27 को। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये रिक्वेस्ट लेटर जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए हो सकता है। लाइक आपकी फ़ाइल में कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग हो, या फिर उनको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो उसके लिए ये जो है वो रिक्वेस्ट लेटर आता है। देन गाइस, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर इनको May 2 को मिला, और PPR भी इनको May 2 को रिसीव हो गई। ओके, दिस वन इज़ द नेक्स्ट। फेब 12 को फाइल लॉन्च की थी। सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे का है। BCL फेब 13 को मिला। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR रिसीव हुई है May 2 को। ओके गाइज, नेक्स्ट देखिए। फेब 4 को फाइल लॉन्च की थी। सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे हो गया। BCL फेब 5 को मिला। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR इनको रिसीव हुई है May 2 को। ओके, नेक्स्ट देखिए। फेब 11 को फाइल लॉन्च की। सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे हो गया। BCL फेब 12 को मिल गया। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR इनको रिसीव हुई May 2 को। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए। फेब 9 फाइल लॉन्चमेंट डेट थी। सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे हो गया। BCL फेब 10 को मिला। उसके बाद गाइस, इनको दो कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आए हैं May 2 को, एंड PPR भी इनको May 2 को रिसीव हो गई। ओके गाइस, नेक्स्ट है। फेब 3 फाइल लॉजमेंट डेट। सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे। BCL फेब 4 को मिला। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR रिसीव हुई May 1 को। देन ये नेक्स्ट है। फेब 9 फाइल लॉजमेंट डेट है। सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे। BCL फेब 10 को मिला नेक्स्ट डे। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR May 1 को रिसीव हुए हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट है। ये भी फेब 9 की फाइल है। सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे हो गया। BCL फेब 10 को मिला। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR रिसीव हुई May 1 को। ओके गाइस, नेक्स्ट है। ये भी फेब्रुअरी 9 फाइल लॉजमेंट डेट। सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे। BCL फेब 10 को मिल गया। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR May 1 को रिसीव हुए हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए। फेब्रुअरी 11 फाइल लॉजमेंट डेट है। सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे हो गया। BCL फेब 12 को मिला इनको। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR May 2 को रिसीव हुए हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए इतनी ही PPRs की टाइमलाइंस थी मेरे पास। एंड गाइस, वन थिंग मोर, पहले मेरे चैनल पर काफ़ी कमेंट्स आते थे जिन स्टूडेंट्स को उनकी PPR रिसीव होती थी, तो वो लोग मुझे कमेंट कर कमेंट सेक्शन में मुझे अपने टाइमलाइन शेयर करते थे। लेकिन गाइस, अब एक शिकायत है मुझे आप लोगों से, वो जो कमेंट्स आते थे वो थोड़े से कम हो गए हैं। तो गाइस, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपने रिजल्ट रिसीव होते हैं तो आप मेरे चैनल के नीचे वीडियोज़ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए अगर आपको अपने रिजल्ट रिसीव हुए हैं अपनी प्रॉपर टाइमलाइन के साथ, तो वो मैं आप लोगों के रिजल्ट जो है वो अपने चैनल पर
डेफिनेटली शेयर करने की कोशिश करूँगी। एंड गाइज, आज के लिए इतना ही, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड टिल देन डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल।